इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, घर घर तिरंगा झंडा वो है, वो लगना चाहिए। इसलिए हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं 13 तारीख से लेकर 13, 14 और 15 तीन दिन लगातार हमें लोगों के घरें घर घर तिरंगे झंडे जो है वो लगाने चाहिए। इसलिए आज हमारे CRP के जवान, जिसमें कैप्टन और उनके अफसर और उनके जवान आज वो मेरे पास पहुंचे थे, आज हमें जो यात्रा की है, पहले तो हम घर घर तिरंगे झंडे देने के लिए और लोगों को बताने के लिए घर घर चले गए, लोगों को संदेश दिया भाई ये सरकार का संदेश है, लगातार 13, 14 और 15 तारीख को हमें झंडे लगाने चाहिए। उसके बाद हमें एक रैली की है, जिसमें सैकड़ों की तय पर गाड़ियों ने और सैकड़ों की तय पर लोगों ने हिस्सा लिया है। हमें रैली निकाली है बर्न रत्ती छपड़ी से और कोट पलवाल और बेड़ा मोड़ बर्न से होते हुए रिंग रोड पूरा कवर करते हुए और हमें वो रैली जो है आज की है। चाहिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुनिए लावे दोस्तों, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद। मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, घर घर तिरंगा झंडा वो है, वो लगना चाहिए। इसलिए हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं 13 तारीख से लेकर 13, 14 और 15 तीन दिन लगातार हमें लोगों के घरें घर घर तिरंगे झंडे जो है वो लगाने चाहिए। इसलिए आज हमारे CRP के जवान, जिसमें कैप्टन और उनके अफसर और उनके जवान आज वो मेरे पास पहुंचे थे, आज हमें जो यात्रा की है, पहले तो हम घर घर तिरंगे झंडे देने के लिए और लोगों को बताने के लिए घर घर चले गए, लोगों को संदेश दिया भाई ये सरकार का संदेश है, लगातार 13, 14 और 15 तारीख को हमें झंडे लगाने चाहिए। उसके बाद हमें एक रैली की है, जिसमें सैकड़ों की तय पर गाड़ियों ने और सैकड़ों की तय पर लोगों ने हिस्सा लिया है। हमें रैली निकाली है बर्न रत्ती छपड़ी से और कोट पलवाल और बेड़ा मोड़ बर्न से होते हुए रिंग रोड पूरा कवर करते हुए और हमें वो रैली जो है आज की है और वो लोगों को एक संदेश दिया है। सर बात लीडरों की नहीं है, ये बात राजनीति की नहीं है, बात जो है ये है एक राजनीति की, हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हमारी जो आवाज है वो पाकिस्तान के कानों के बीच गुजरनी चाहिए, पाकिस्तान को पता चलना चाहिए। आज लाल चौक में घर घर कश्मीर में तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत में मैंने भारत के लोगों के आगे अपील की है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश है, घर घर तिरंगा झंडा जो है वो हमें लगाना चाहिए। इसलिए मैं अपनी पेमेंट से, जो पेमेंट भगवान देने वाला है, जहाँ हमारी है, जहाँ हमारे भारत की है, जे मैं भारत के नाम पर लगाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें भारत के लिए काम करना चाहिए,
लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश पर काम करना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। इसलिए आज मैं सीआरपी के जवानों को मठियाई खिलाते हुए, गल में माता की चुन्नियां डालते हुए नौजवानों का मान और सम्मान किया है। मैं चाहता हूं अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल के बॉर्डरों पर जवानों का हौसला बुलंद करते हैं तो हमें भी हर जवानों का हौसला बुलंद करना चाहिए। जवान भारत की शान, जवान ही जो है वो बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं, तो अपने बच्चे पालने का काम करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जवान भारत की शान, हमें जवानों के साथ मिलकर भारत को बढ़ावा देना चाहिए। जवान है तो देश है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।